और वहीं एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में अपर्णा यादव भी बोली, ये सरकार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएगी, मोदी जी के मंत्र को सबका साथ सबका विकास को आगे बढ़ाएंगे, जो दायित्व मिलेगा तैयार हूं, शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा वो करेंगे, राष्ट्र को आगे करना ही राष्ट्र धर्म है, ये अपर्णा यादव ने कहा है। आइए आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ कहा अपर्णा यादव। पुत्र वधु और भारतीय जनता पार्टी की नेत्री अपर्णा यादव इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अपर्णा जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, सरकार गठन की कवायद शुरू हो गई, क्या कहेंगी? सरकार गठन पे मैं यही कहूंगी कि ये जो सरकार बन रही है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएगी और कल्याणकारी जो योजनाएं हैं पहले की और आगे की भी जो मैनिफेस्टो में प्रॉमिस करी गई थी उनको जो है करा जाएगा। गरीब से गरीब जो व्यक्ति है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो थ्योरी है, उन्होंने कहा कि अंत्योदय पथ पे अंतिम चरण के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को भी मिले, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। और मोदी जी का जो मंत्र है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इसको आत्मसात करते हुए आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जनसेवा में लगे रहेंगे। आप भाजपा में आई, मैं देख रहा हूँ न केवल लखनऊ शहर बल्कि कई जिलों में आपने दौरा किया और भाजपा के पक्ष में मतदान करने की लोगों से अपील की। अब सरकार बनने जा रही है तो क्या उम्मीद करें, अपर्णा यादव को क्या दायित्व और मिलने वाला? जो भी दायित्व मिलेगा मैं उसके लिए तैयार हूँ, पर मैं ये सवाल जो है शीर्ष नेतृत्व पर छोड़ती हूँ। अपर्णा यादव सेवा के लिए आई है, अपर्णा यादव राष्ट्र धर्म का पालन करने आई है, ये बात सब मुझे लगता है शीर्ष नेतृत्व पे पार्टी पर मैंने छोड़ दी जी। अब समाजवादी पार्टी से भाजपा ज्वाइन किया आपने, लंबे समय तक आप सपा के साथ काम करती रहीं, अब कई महीने हो गए हैं, क्या फर्क देख पा रही हैं दोनों दलों में, किस तरह का, क्या अलग अलग परिवारों में क्या फर्क? भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों से बहुत ही ज़्यादा मिलने का मैं प्रयास करती हूँ। मैं बस यही बोलूँगी कि वर्क कल्चर हो चाहे जो भी हो, हर चीज़ में राष्ट्र को आगे रखा जाता है और राष्ट्र जहाँ आगे है वहाँ पे चिंतन की या चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। राष्ट्र धर्म का पालन सभी लोग करते हैं, पॉलिसी मेकिंग में भी और लोगों को सेवा करने में। प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, एक सबसे बड़ी वजह क्या है जो आज ये माहौल बना कि भारतीय जनता पार्टी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर पाई? उम्मीद से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन देखिए इसलिए कर पाई क्योंकि मूल मंत्र जो है मोदी जी का वो योगी जी ने आत्मसात किया और सबको पॉलिसीज पहुंचाने का काम किया। सब गरीब से गरीब व्यक्ति को किसी जाति धर्म मजहब के आधार पर उनको जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, सबको दिया। तो जो है ये कहना कि जो है सिर्फ जो है उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने वोट किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए या हिंदुओं ने वोट किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैंने पहले भी कहा जिस दिन जीते थे कि सबके सब हैं भाजपा है, सारे लोगों ने वोट किया, ये सबकी सरकार बनी है और राम राज्य की जो कल्पना है वो इसी सरकार में परिलक्षित हुई।